छत से गिरी मासूम पिता के पास रखे डॉक्यूमेंट, नहीं हो पा रहा इलाज, 2 साल से मायके रह रही महिला। शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इंदिरा कॉलोनी में रहने वाली महिला ने एसपी से मांग की है कि उसके पति के पास उसकी बच्ची के आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड रखे हुए हैं। उसकी बच्ची कल छत से गिर गई थी, जिसके बाद कागज न होने के चलते इलाज नहीं हो पा रहा है। जानकारी के अनुसार खुशबू खान पुत्री अनवर खान उम्र 26 साल निवासी इंदिरा कॉलोनी ने बताया कि उसकी शादी 10 साल पहले दतिया भांडेर में हुई थी, जिसके बाद पति लगातार मारपीट करता था और शक करता था, किसी से भी बात नहीं करने देता था। 2 साल से वह अपने मायके इंदिरा कॉलोनी में रह रही थी। वहीं उसकी बेटी जासमीन खान उम्र 9 साल कल छत से गिर गई थी, जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड नहीं होने के चलते उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। वहीं एसपी से महिला ने कागज मंगवाने की गुहार लगाई है। मैं आपको खुशबू कहाँ रहती हूँ इंदिरा कॉलोनी। आज आपके द्वारा एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया है, आपकी बच्ची भी अस्पताल में भर्ती है, क्या पूरा मामला है इसका? सर आधार कार्ड, इसके पैन कार्ड, इसके माँ बाप, इसके माँ बाप पे रखे, इसके मतलब इसके पिता के पास, वो मिल जाए इसका सही हो जाएगी टांग मेरी लड़की। अच्छा, तो इसलिए आपने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया। हाँ। तो वहाँ पे क्यों रखे हैं? आपको ससुराल में नहीं रहती क्या? ससुराल वाले मारा पीटी करते हैं मेरी बहुत ज्यादा, और पति शक करता है मेरे ऊपर बहुत, किसी से नहीं बोलन देता है, ना किसी से चालन देता है, नंदों से जेठों से किसी से नहीं बोलन देता। शादी कहाँ पर हुई थी आपकी? दतिया साइड दतिया भांडे। तो आप कब से मायके में रह रही हो? 2 साल हो गई सर, मुझे अकेले रहते रहते बेलदारी करने जाती हूँ। तो फिर क्या चाहती हो आप? ये चाहती हूँ मेरा पति आके यहाँ पर या कागज मांग दे जाए मेरी लड़की का, या मेरी लड़की की टांग सही करवा के जाए। कैसे गिर गई थी बच्ची? छत पे खेल रही थी, खेलते में गिर गई। तो अस्पताल में क्या समस्या आ रही है? आधार कार्ड वगैरह मांग रहे थे अस्पताल में, आधार कार्ड मांग रहे हैं इसका, वो एक और कहते ना कार्ड आयुष्मान का, वो मांग रहे हैं इसका, वो मुझ पे नहीं है सर, नहीं है तो फिर कह रहे हैं 15,000 रुपए लगेंगे। तो एसपी साहब के यहाँ से क्या आश्वासन मिला था आपको? उन्होंने ये बोला कागज जमा कर दो, आपका काम हो जाएगा, आप जाइएगा।